वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साउथ की 10 बड़ी न्यू रिलीज हिंदी डब फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, साउथ की 10 न्यू रिलीज हिंदी डब फिल्मों में से 8 न्यू रिलीज हिंदी डब फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बाकी साउथ की 2 बड़ी फिल्म की कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको पूरे के पूरे 8 बड़ी फिल्म यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली हैं। बाकी साउथ की 2 बड़ी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी मूवी होने वाली है, कौन कौन से नंबर पर देखने को मिलेगी, क्या रिलीज डेट होने वाली, कौन से मूवी की रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूं, तो ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी अमेजिंग एंड मजेदार वीडियो होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो मोटिवेशन के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर फिल्म आती है थोनी बो, जो कि 2023 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर हिस्ट ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सुपरस्टार अजीत कुमार, मंजू वॉरियर एंड कोलम MS नारायण। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर आप लोग अजीत सर के बहुत बड़े फैन हो, डाई हार्ट फैन हो, साथ एक्शन ड्रामा हिस्ट रोमांटिक ड्रामा फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहेगी। तो जी हाँ, सो ऑफिशियल डब के साथ वॉच कर सकते हो। या बात करें हिंदी डबिंग की, तो इस फिल्म जो हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई दोस्तों नेटफ्लिक्स ने, जहां पर इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जो कि काफी शानदार की रेटिंग मानी जाती है। तो जी हाँ, सो अगर आप इस फिल्म को ऑफिशियली तौर पर देखना चाहते हो ऑफिशियल डब के साथ, तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का लिंक किसी भी टाइम डिलीट हो सकती है यूट्यूब से। तो जितना जल्दी हो सके जाकर वॉच कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो। नंबर दो पर फिल्म आती है थीरम, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सरवन याति, अनिल इमागोटा, कृष्णन रावाली। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप सभी को डिसेंट लव स्टोरी देखना अगर आपको पसंद करते हो, साथ एक अच्छी लव इज रोमांटिक एक्शन, तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपके लिए वन टाइम वॉचेबल मूवी रहेगी। IMDb रेटिंग बात करें तो मूवी की IMDb रेटिंग की करें, स्पेशली बात करें तो काफी शानदार की रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ, 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफी बेहतरीन की रेटिंग मानी जाती है। हिंदी डबिंग की बात करें तो जी हाँ, बैनर कंफर्म नहीं है, बट ये फिल्म आपको ऑफिशियली डब के साथ यूट्यूब पर अनऑफिशियली देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस फिल्म को देख सकते हो, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो ये फिल्म आपको सेम टाइटल के साथ यूट्यूब पर ऑफिशियली वॉच कर सकते हो। तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर तीन पर फिल्म आती है चलो प्रेमी दम, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक्शन लव स्टोरी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों नेहा सोनालिका, सुरेश शेखर एंड इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है राय रौनक। इस फिल्म के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप सभी को लव रोमांटिक अच्छी लव स्टोरी अगर आपको देखना पसंद करते हो, तो ये फिल्म आपके लिए काफ़ी बेहतरीन की मूवी रहेगी। जी हाँ, मूवी में आपको काफ़ी ड्रामा के साथ साथ एक अच्छी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी उस फिल्म में। IMDb रेटिंग की बात करें तो जहाँ से मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी शानदार की रेटिंग मानी जाती है। हिंदी डबिंग की बात करें तो जी हाँ, उसमें जो हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है RK रेडिकल स्टूडियो ने, जहाँ पर यह फिल्म आपको सेम टाइटल के साथ यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप उसमें को देखना चाहते हो, तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर चार पर फिल्म आती है नेनू तिलाची, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों नवीन निहानी, एनसेटी पाटिल, महेश अचानता। इस फिल्म के लीड स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप सभी को अच्छी लव स्टोरी के साथ साथ एक अच्छी फैमिली ड्रामा देखना अगर आपको पसंद करते हो, तो आप इस फिल्म को एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फिल्म काफ़ी अच्छी है दोस्तों। IMDb रेटिंग की बात करें
तो मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है अकॉर्डिंग टू IMDb रेटिंग। बात करें हिंदी डबिंग की तो जॉस वसमुख जो हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है अनंत बैनर्स ने, एंड ये फिल्म आपको ऑफिशियली डब के साथ देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर ऑफिशियली। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर पाँच पर फिल्म आती है बेली पंडिते पुस्तकम, जो 2017 में रिलीज हुई एक्शन रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सुपरस्टार मोहनलाल, अनूप मेनन एंड सलीम कुमार, प्रियंका। इस फिल्म के लीड स्टार्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप सभी मोहनलाल के बहुत बड़े फैन हो, साथ साथ एक्शन एक अच्छी थ्रिलर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ड्रामा अगर आपको देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहेगी। जहाँ से ट्राई करिएगा जरूर, काफ़ी अमेजिंग फिल्म है। IMDb रेटिंग की बात करें तो जहाँ से मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 4.5 अप टू 10 की रेटिंग मिली हुई थी। इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटो की फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। हिंदी डबिंग की बात करें तो जहाँ से उसमें जो हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है दोस्तों न्यू एज सिनेमा मूव्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जहाँ पर ये फिल्म आपको सेम टेलीविजन थिएटर पर ऑफिशियली वॉच कर सकते हो। मूवी को देखना चाहते हो तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। आते गट्टा कुश्ती, जो कि 2022 में रिलीज हुई एक्शन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों विष्णु, ऐश्वर्या लक्ष्मी एंड शरद कुमार। इस फिल्म के लीड स्टार्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप सभी को फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक अच्छी लव रोमांटिक ड्रामा एक अच्छी बेहतरीन कॉमेडी के साथ अगर आपको देखना पसंद करते हैं स्पेशली साउथ की, तो ये फिल्म विशाल सर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहेगी। तो वॉच करिएगा जरूर, काफी कमाल की फिल्म है दोस्तों। जब IMDb रेटिंग की बात करें तो मूवी की IMDb रेटिंग तरफ से 6.6 अप टू 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि दोस्तों एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। जहां पर बात करें हिंदी डबिंग की तो फिलहाल ये फिल्म आपको अनऑफिशियल डब के साथ यानी कि एच को डब के साथ ये फिल्म आपको यूट्यूब पर अनऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। बात करें ऑफिशियल डबिंग की तो ये फिल्म आपको ऑफिशियल डब के साथ भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। बट अगर आप इसको अभी देखना चाहते हो तो फिल्म में डब वर्जन को देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अनऑफिशियल अवेलेबल है, तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। या फिर आप इसको ऑफिशियल तौर पर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर विद हिंदी इंग्लिश सबटाइटल के साथ वॉच कर सकते हो। तीन पर फिल्म आती है बेदा क्रू, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों जय श्वेता रेड्डी, आरजे बालाजी एंड अरु बोस। इस फिल्म के लीड स्टार्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर आप सभी को बेहतरीन कॉमेडी देखना अगर आपको पसंद कर एक अच्छी नेक्स्ट लेवल की थ्रिलर, तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहेगी। डेफिनेट ट्राई करिएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन फिल्म है। जहाँ पर मूवी के अंदर आपको बेहतरीन लेवल की कॉमेडी देखने को मिलेगी, साथ साथ मूवी के अंदर एक अच्छी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, तो इसलिए आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हो। IMDb रेटिंग की बात करें तो यहाँ से मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि काफी बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है दोस्तों। हिंदी डबिंग की बात करें तो यहाँ से उसमें जो हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है पैन मूव्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और ये फिल्म आपको सेम टेलीविजन यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। फिल्म आती है बलैया कलाक्षी, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक्शन लव रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों सुपरस्टार ममोटी, ईशा तावड़, मीना अम्युक्ता। इस फिल्म के लीड स्टार्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो जहाँ से अगर आप लोग ममोटी सर के बहुत बड़े फैन हो यानी कि डाई हार्ड फैन हो, एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी वाली अगर आपको फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी अच्छी है दोस्तों। IMDb रेटिंग की बात करें तो की IMDb रेटिंग की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी। हिंदी डबिंग की बात करें तो जहां से उसमें जो हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई दोस्तों अल्ट्रा मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने, और ये फिल्म आपको यूट्यूब पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेट ट्राई करिएगा, फिल्म काफी पुरानी है बट मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की कंटेंट देखने को मिलेगी, तो वॉच करिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। नंबर नौ पर फिल्म आती है वसंता मुलाय, जो कि 2023 में रिलीज होने वाली अपकमिंग एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर रोमांटिक फिल्म वसंता मुलाय, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों बॉबी शिमा, कश्मीरा प्रियदर्शी, राजे तिलवाड़ी, रश्मि मेनन। इस फिल्म के लीड स्टार्स में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जहाँ से फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो जहाँ से यानी कि इस फिल्म को कल के दिन यानी कि दोस्तों 10 फरवरी को इस फिल्म को रिलीज की जाएगी सीधे सिनेमाघरों में। इस फिल्म को तेलुगु, तमिल या पर बात करें हिंदी डब के साथ इस फिल्म को रिलीज की जाएगी। तो जी हाँ, सो इस फिल्म को एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी, जिसमें कि काफी सारे लैंग्वेज यहाँ पर शामिल होने वाली है। तो जी हाँ, सो ऑलरेडी रिलीज डेट के बारे में बता चुका हूँ कि ये फिल्म आपको 10 फरवरी को इस फिल्म को रिलीज की जाएगी सीधे सिनेमाघरों में। नंबर दस पर फिल्म आती है एमी गोज, तो जी हाँ, सो साल 2023 में रिलीज होने वाली
नंदा मोड़ी बालाकृष्ण सर की मच अवेटेड एक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एमिगोस, जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे दोस्तों नंदा मोड़ी, कल्याण राम एंड अक्षिका रंगनाथन एंड राजेंद्र रेड्डी, वीर रविशंकर। इस फिल्म के लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाले। मूवी की जोनरा की बात करें तो जी हाँ, सो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली, जिसमें कि आपको नंदा मोड़ी कल्याण राम सर की इस फिल्म के अंदर आपको ट्रिपल रोल देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। रिलीज डेट की बात करें तो जहाँ से इस फिल्म को फाइनली यहाँ पर रिलीज की जाएगी 10 फरवरी को, तो आप इस फिल्म को 10 फेब को जाकर वॉच कर सकते हो सीधे सिनेमा घर में, जिसमें कि ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तेलुगु तमिल के साथ वॉच कर सकते हो। हिंदी डब से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है, तो जैसे इसी बीच कोई हिंदी डब से रिलेटेड कोई अपडेट आती है इस फिल्म की, तो उसकी अपडेट यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारे चैनल।